Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. सुशांत सिंह राजपूत। जी हाँ, बॉलीवुड के अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद बॉलीवुड में कई दिग्गज कलाकार ऐसे थे जिन पर उंगली उठाई गई। सबको ये कहा गया कि आप लोग सुशांत सिंह राजपूत के निधन की और उनके डिप्रेशन की असली वजह हैं, जिनमें से एक नाम खूब ही चर्चाओं में रहा, करण जौहर का। करण जौहर का नाम सबसे ज़्यादा चर्चाओं में इसीलिए बना रहा क्योंकि करण जौहर लगातार बॉलीवुड के अंदर स्टार किड्स को आगे बढ़ाते हुए उन स्टारों को भूल जाया करते थे जो स्टार्स हकीकत में बॉलीवुड के अंदर अपनी एक जगह बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे थे। इन्हीं सब चीज़ों के बाद सोशल मीडिया पर भी लगातार उन्हें फैंस की गाली सुननी पड़ी, और तो और सुशांत सिंह राजपूत के कई समर्थक जो नेपोटिज्म के खिलाफ थे वो लगातार उन्हें सोशल मीडिया से अनफॉलो करने लगे। लेकिन इन सब बातों के बाद करण जौहर काफ़ी नाराज़ नज़र आए क्योंकि जब वो इन सब विवाद में फंस रहे थे तब कोई भी स्टार किड उनके पास नहीं आया और ना ही किसी ने उनका सपोर्ट किया, बल्कि कई स्टार किड्स ऐसे थे जो उनके विरोध में ही नज़र आए। जिन्हें उन्होंने चांस दिया था वही लोग अब उनके विरोध में नज़र आए, और तो और सोशल मीडिया पर भी उन्होंने कई बातें कहीं कि आप अपने शो में बुलाकर हमारी बेइज्जती करते हैं। जिसके बाद अब करण जौहर ने एक बड़ा कदम उठाया है। आपको बता दें, कुछ दिनों पहले ही करण जौहर ने सबसे पहले सोशल मीडिया से अपने उन लोगों को अनफॉलो किया जिनको उन्होंने चांस दिया और जिन स्टार किड्स के साथ वो हमेशा कनेक्टिविटी में बने रहे, जिन्हें आज तक उन्होंने पाला। अब जब बॉलीवुड के उन स्टार किड्स को उन्होंने अनफॉलो किया तो वो केवल और केवल तीन लोगों के साथ जुड़े हुए हैं बॉलीवुड के। वो तीन लोग में से एक नाम है सदी के महानायक यानी अमिताभ बच्चन, दूसरा नाम है अक्षय कुमार और तीसरा SRK यानी शाहरुख खान। आपको बता दें, इससे साफ पता चलता है कि वो काफ़ी नाराज़ हैं। लेकिन अब एक और बड़ी खबर सामने आई है। वो बड़ी खबर ये है कि करण जौहर ने अपने डायरेक्टरशिप से अब इस्तीफ़ा दे दिया है। डायरेक्टरशिप मामी फिल्म फेयर अवार्ड, या कहें तो मामी फिल्म फेस्टिवल, जिसे मुंबई फिल्म फेस्टिवल के नाम से भी आप लोग जानते हैं। इस फिल्म फेस्टिवल और इस कमेटी के करण जौहर डायरेक्टर थे। हालांकि आपको बता दें, इसी के अंदर दीपिका पादुकोण भी उनके साथ डायरेक्टर रह चुकी हैं। दीपिका पादुकोण ने उनके इस्तीफे के बाद काफ़ी बातें बोली, उन्हें समझाने की कोशिश की कि आप ऐसा मत कीजिए, लेकिन करण जौहर अपना इस्तीफा मेल कर चुके हैं। अब वो कभी भी इस फिल्म फेस्टिवल के अंदर नज़र नहीं आएंगे। और आपको बता दें, इसके साथ साथ जिस तरीके से नए नए स्टार किड्स को आगे बढ़ाने के लिए ये अवार्ड शो चला करता था, मुंबई फिल्म फेस्टिवल अवार्ड शो, उस अवार्ड शो के अंदर भी अब वो ना होस्टिंग करेंगे और ना ही किसी बच्चे को प्रमोट करेंगे जो बॉलीवुड इंडस्ट्री से उठा हो या कहीं से भी आया हो। अब करण जौहर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में नज़र आ रहे हैं क्योंकि कई दिनों से फैंस उन्हें ट्रोल्ड कर रहे हैं और साथ ही साथ उन पर ये एलिगेंस लगाए जा रहे हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं कि आप केवल और केवल नेपोटिज्म को बढ़ावा देते हैं। ये सारी चीज़ों पे आपकी क्या राय है? क्या करण जौहर सच में नेपोटिज्म को बढ़ावा देते हैं, अभी तक वो यही करते आए हैं, या फिर ये जो वो गुस्से में कर रहे हैं वो केवल और केवल जनता का प्यार और उनकी सिंपति बटोरने के लिए? कमेंट करके ज़रूर बताएं क्या है आपकी राय, और देखते रहें फिल्मी अड्डा। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें फिल्मी अड्डा से। थैंक यू।